हाय गाइस, वेलकम बैक टू निशास कुक बुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी है। ये हेल्दी ड्रिंक मैंने एप्पल और गुलकंद से बनाया है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास दूध लिया है, ये फुल फैट क्रीम मिल्क है, और एक सेव लिया है जिसे हम पील ऑफ कर लेंगे, और फिर हम इस सेव को बहुत स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि एप्पल को हमें बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना है, ना ही ग्रेट करना है, नहीं तो एप्पल काला हो जाएगा। अब हम दूध में एप्पल ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1 टीस्पून गुलकंद ऐड करेंगे। आप गुलकंद कोई भी ले सकती हैं, चाहे वो घर का बना हो या किसी भी ब्रांड का हो। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। हम इस शेक में चीनी नहीं ऐड कर रहे हैं, हम उसकी जगह इसमें शहद और गुलकंद ऐड कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा ब्लेंड है एप्पल, गुलकंद और हनी का। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और इस एप्पल गुलकंद शेक को बनाने के लिए हम फ्रिज का ठंडा दूध ही यूज़ करेंगे, या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध लेंगे, गर्म दूध यूज़ नहीं करेंगे। बस हमारा एप्पल गुलकंद शेक तैयार है। आइए तो अब हम इसे ग्लास में पोर कर लेते हैं। यहाँ पर ग्लास में मैंने 1 टीस्पून रोज़ सिरप ऐड किया है। आप चाहें तो आप इसे डायरेक्ट ग्लास में भी डाल सकते हैं, या तो आप ग्लास के साइड्स में इसे पोर करते हुए डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप ऐसे ही इसमें 1 टीस्पून रोज़ सिरप ऐड कर सकती हैं। अब हम ग्लासेस में एप्पल गुलकंद शेक पोर कर लेंगे और इसे हम गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए बादाम के पीसेस से और ड्राई रोज़ पेटल से। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे भी स्किप कर सकती हैं। और अगर आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है, या आप ये हेल्दी ड्रिंक बच्चों के लिए बना रही हैं, तो आप इसमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बस हमारा एप्पल गुलकंद शेक बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम इसे थोड़ा सा और गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए 1 टीस्पून रोज़ सिरप लिया है स्पून में, जिसे हम राउंड शेप में पोर करते हुए ग्लास के ऊपर डाल देंगे, यानी कि शेक के ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसे ठंडा ही सर्व करेंगे। आपको ये मेरी एप्पल गुलकंद शेक की इनोवेटिव रेसिपी कैसी लगी, आप कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।